My dear students, I am taking fifth part of ninth class statistics. In this part, I want to draw some graph of frequency tables or any data given concerned with some political parties or any relations in the real life. Now this is the question first I am taking. The seats won by the different political parties in the polling outcome of a state assembly election. देखो ये कुछ political parties हैं A, B, C, D, E, F और इन्होंने एक assembly election के अंदर state assembly election में इतनी सीटें जीती. तो ये कहता है कि ये एक बार चार्ट की सहायता से या बार ग्राफ की सहायता से इसको रिप्रेजेंट करो इस रिजल्ट को. यानी वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस रिजल्ट ऑफ द पोलिंग पार्टीज ऑन द ग्राफ. सो हियर यू सी दिस इज ए ग्राफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. यू नो द ग्राफ. And all the political parties are taken on the x-axis and the seats won by the parties are taken on the y-axis. अब क्या है देखिए, A पार्टी ने 75 सीट ली. देखो ये A है x-axis पे 75. ये कॉलम बनाई है 75 की सीट तक. देखो ये 75 है, इसकी सीट तक ये कॉलम बना दिया. इसका मतलब ए पार्टी की 75 सीट है, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है उनकी सीट्स को. इसी प्रकार बी 55, देखो ये 60 है, इसके नीचे ये 55 है, ये 55 को रिप्रेजेंट करता है. और सी पार्टी 37, 40 से नीचे देखो ये 37, 37 को रिप्रेजेंट करता है. डी कितनी है 29, देखो 30 के नीचे जरा सा, देखो ये 29 को रिप्रेजेंट करता है. और ई में कितना 10, देखो ये 10 को रिप्रेजेंट करता है सीधा. और एफ 37 को रिप्रेजेंट करता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज कॉलम्स रिप्रेजेंट्स द सीट्स ऑफ द डिफरेंट पार्टीज ए बी सी डी ई एफ. सो दिस इज द ग्राफ बाय विच, या यू कैन से द बार ग्राफ और बार चार्ट बाय विच द पार्टीज रिजल्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज या और कोई सर्वे हो उसको भी हम बार चार्ट पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ये टेबल इस बार चार्ट पे क्लियर दिखाई दे रही है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखिए आप. सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम. देखो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 45 नियॉन लैंप्स. सही है, नियॉन लैंप्स. रिप्रेजेंट द गिवन डेटा इन द रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. ये जो इंफॉर्मेशन है जो टेबल में दी है, टेबल कौन सी है ये टेबल देख लो पहले. लाइफ टाइम किस में है, इन आवर्स. ये है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60. ये हो गया ये. और इसमें नंबर ऑफ लैंप्स, या सेकंड में हो जाए नंबर ऑफ लैंप्स.
नंबर ऑफ लैंप्स में क्या है, इनके नंबर हैं द 5, फिर 10, फिर 15, फिर 10, फिर 5, ये है नंबर ऑफ लैंप्स और ये है लाइफ टाइम का कॉलम इन लैंप्स का। अब हम ये कहता है कि इस टेबल को जो ये एक लैंप्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको हिस्टोग्राम की सहायता से, पहले क्वेश्चन में था बार चार्ट या बार ग्राफ, अब क्या है हिस्टोग्राम की सहायता से आपको जो है ना रिप्रेजेंट करना है, ये हिस्टोग्राम से इस टेबल को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस हिस्टोग्राम। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस टेबल को, देखिए आप। अब हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, देखो इधर बना लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और ये बनाएंगे ग्राफ। देखो यहाँ ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, एक्स ये वाई एक्सिस है, और इसमें क्या करेंगे लाइफ टाइम जो है, ये देखो लाइफ टाइम लेंगे एक्स एक्सिस पे, लाइफ टाइम आवर्स जो है वो लेंगे एक्स एक्सिस पे, और ये जो है नंबर ऑफ लैंप्स ये यहां लेंगे नंबर ऑफ लैंप्स ये लेंगे एक्स वाई एक्सिस पे। अब देखिए इसमें कितना नंबर ऑफ लैंप्स, कितना 15 तक है, 5 ये कितना है 5 तक है ना, 5 और ये ले लिया 10 और ये ले लिया 15 और ये ले लिया 20, बस यहीं तक ले लो इसको। और इसमें क्या है हमारे 10 से लेकर 60 तक है, 0 से यानी ये है 0 से लेकर ये है 10, 10 ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50 और ये है 60। देखो हमारी टेबल 60 तक है, 0 से लेके 0, 10, 10 टू 20, 20 तो इस तरह 60 है, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ लैंप्स आ जाएंगे वाई एक्सिस पे। अब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, 10 से 20 में कितने हैं 5, 10 से 20 में कितने 5, ये 10 है और ये 20 है, दोनों उठाओ ये कॉलम और 5 तक ले जाओ, ये 5, 10 से 20 5, और फिर 20 से 30 है कितना 10, ये 20 है ये 30 है, दोनों को उठाओ और ये ले जाओ 10 तक, ये हो गया 10, यानी 20 से 30 हो गया 10 और 30 से 40 कितना होगा 15, ये 30 है ये 40 है, इन दोनों को 15 तक दोनों साइड्स को उठाइए, और फिर 40 से 50 कितना 10, तो ये फिर वापस 10 पा गए यानी दिस इज 10, और 50 से 60 फिर कितना 5, फिर वापस 5 पा गए हम, ये दिस इज द टेबल, यानी हमने ये हिस्टोग्राम बना दिया और इस अपने हिस्टोग्राम को यानी शो करने के लिए थोड़ा हा देखो ऐसे तो करना ही पड़ेगा, अलग से दिखाई देना आपका हिस्टोग्राम, ये है दिस इज द हिस्टोग्राम, ये है माय डियर स्टूडेंट दिस इज द हिस्टोग्राम, दिस टेबल इज गिवन इन विच लाइफ टाइम्स आवर्स ऑफ द लैंप्स एंड नंबर ऑफ लैंप्स, दीज टू कॉलम्स आर गिवन, we have to represent this table with the help of the histogram. What is histogram? Histogram is also a graph. This is x-axis and this is y-axis. And we have to show this table on the graph. This graph shows this graph represents the lifetime hours of neon lamps. This is the second question. This is histogram. My dear students, when there is no gap, इसे कहते हैं histogram. ये है histogram. Third question लेंगे. अब देखो third question लेते हैं फटाफट. Time is short. अब मैं third question. ये कौन सा question था? ये 2 था जो मैंने कर दिया. ये 2 क्वेश्चन था. अच्छा अब मैं लेता हूं थर्ड क्वेश्चन. आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन.
अब थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड, ये था टू, अब थर्ड, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में क्या है ये मैं लिखता हूं थर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज। द टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट, द टेबल, ये भी नहीं चलता जी, ये द टेबल, द टेबल गिव्स द टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट, गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन, अरे पेन सारे खत्म हो गए, द टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए सेक्शन, ऑफ ए सेक्शन। अब ये है अकॉर्डिंग टू द मार्क, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ये अब देखो ये एक टेबल दे रखी है एक सेक्शन के बच्चों की, ऑब्टेंड बाय देम, मार्क्स ऑब्टेंड बाय देम, ऑब्टेंड बाय देम, ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया प्यारे विद्यार्थी आपके सामने। अब मैं ये टेबल बनाता हूं मार्क्स, मार्क्स क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, ये तो है मार्क्स। और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 3, 9, 17 और ये है 12 और ये कितना है 9, ये है। अब हमने इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, देखो सबसे पहले एग्जांपल में हमने बनाया बार चार्ट या बार ग्राफ, दूसरे में बनाया हिस्टोग्राम दूसरे क्वेश्चन में, अब तीसरे में बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मैं लिख देता हूं नाम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तीन ही प्रकार के ग्राफ हमारे इसमें है स्टैटिस्टिक्स में, बार चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये तीसरा क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का है। अब इसमें देखो इसमें एक चीज करना है, हमने इसमें निकालना है क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो क्लास मार्क क्या होता है, इसमें एक हमने कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ये जो दो लिमिट है ना, देखो ये है क्लास इंटरवल, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 10, इसका आधा कितना हो गया 5, इन दोनों को जोड़ो 30, इसका आधा हो गया 15, इन दोनों लिमिटों को जोड़ो 20 और 30 कितना हो गया 50, इसका आधा हो गया 25, और ये 30 और 40 का आधा इसका हो गया 35, और इसका आधा कितना हो गया 40 और 50 90 और इसका हो गया 45, ये है क्लास मार्क। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल, दिस इज द वे, एंड नाउ we have to show this table with the help of the, यही बनाऊंगा मैं, ये है x axis, ये 0, ये y axis, और इस पे लेंगे हम फ्रीक्वेंसी, ये प्यारे विद्यार्थियों y axis पे लेंगे फ्रीक्वेंसी और इस पे ले लेंगे मार्क्स, मार्क्स, अब मार्क्स कितने हैं, मार्क्स हैं हमारे 45 तक, देखो भाई 0 ये हो गया, अब हमारा ये 5, ये 15 और ये हो गया, ये हो गया 25 और ये हो गया 35 और ये हो गया 45 और ये हो गया 50, यहाँ ले लिए ये मार्क्स ले लिए मैंने इस पे, यानी इसको मैं थोड़ा हटा दूँ, नीचे करता हूँ इसको मार्क्स, और ये कितना था 35, अब देखो ये हो गए 5, 15, 25, 30, 5, 15, 25 और 35 और 45 और एक थोड़ा आगे तक हमने इसको 55 ऐसे कर दिया आगे, चलो कोई नहीं। अब इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है,
अब यहां पर पेयर बनाएंगे, देखो ये पांच है और इसका किसके साथ, तीन के साथ, पांच और तीन ये पांच है। और यहां हम लेंगे फ्रीक्वेंसी कहां तक है, सत्रह तक, इसमें लेंगे पांच दस पंद्रह और बीस, यहां तक ले ले बीस तक, और ये हो गया पंद्रह और ये हो गया दस और ये हो गया पांच, ऐसे मार्क कर लिया हमने। अब ये है पांच के साथ कितना, तीन, तीन देखो यहां तक आएगा, ये हो गया पांच तीन, और इसके बाद है पंद्रह नौ, पंद्रह ये है और नौ कहां से होगा, इसके नीचे, पंद्रह की सीध में जाओ और दस के नीचे जाओ, ये हो गया पंद्रह नौ। और इसके बाद है पच्चीस सत्रह, पच्चीस की सीध में जाइए सत्रह, ए पंद्रह से ऊपर थोड़ा, ए ए ये हो गया पंद्रह न पच्चीस और कितना हो गया सत्रह, ये हो गया पच्चीस सत्रह। इसके बाद पैंतीस बारह, देखो ये पैंतीस है और बारह कहाँ, दस से ऊपर, ए यहाँ से आएगा और पैंतीस के, ये हो गया पैंतीस बारह। और डियर स्टूडेंट्स आखिर में ये पैंतालीस नौ के साथ, ये पैंतालीस है, नौ कहाँ होगा, ये दस के नीचे, ए यहाँ, ये पैंतालीस के ऊपर, ये हो गया पैंतालीस और ये हो गया नौ, ये देखो सारे पॉइंट आ गए। अब ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होगा, यहाँ जीरो से चलो, ए पहले पॉइंट पर गए, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए और घूम के आ जाओ, ए इस पर आ जाओ और इस पर आ जाओ, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। डियर स्टूडेंट ये टेबल हमारे को दी हुई थी, इसके क्लास मार्क्स मैंने निकाल लिए, दोनों लोअर अपर लिमिट को जोड़ के आधा कर लिया और ये क्लास मार्क्स हो गए, और ये एक्स के ऊपर, ये वाई के ऊपर, और ये पेयर बन गए पांच तीन पंद्रह नौ पच्चीस सत्रह पैंतीस बारह पच्चीस नौ, ये पेयर थे और मैंने इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिए, ये इनके पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।